टूल बार में देखिए यहाँ पर ये मौजूद होगा टाइप टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल इसका नाम है। अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक और टूल नजर आएगा जिसका नाम है वर्टिकल टाइप टूल, और इसके नीचे दो आपको मास्किंग टूल नजर आ रहे हैं, ये सिलेक्शन बनाते हैं टेक्स्ट की। तो हम अभी यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, और टेक्स्ट लिखने की वही तीन टेक्निक्स हैं जो कि हमने इलस्ट्रेटर में कवर की थी, यानी पॉइंट टाइप, एरिया टाइप और पाथ टाइप। अगर आपने एक लफ्ज या एक जुमला लिखना हो तो पॉइंट टाइप टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने लॉन्गर टेक्स्ट लिखना हो, कोई पैराग्राफ की सूरत में लिखना हो तो एरिया टाइप इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने डायरेक्शनल टेक्स्ट लिखना हो तो पाथ टाइप इस्तेमाल करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल टाइप टूल जो है इसको सेलेक्ट करूंगा। अगर पॉइंट टाइप टेक्निक तरीके से हमने लिखना हो, पॉइंट टाइप का भी इस्तेमाल होगा जब आपने कोई एक लफ्ज एक जुमला लिखना हो, छोटा सा टेक्स्ट लिखना हो। तो देखिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, जैसे क्लिक किया कर्सर एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर मैं अपना नाम राइट कर लेता हूँ, ये मैंने लिख लिया। अगर मुझे सिर्फ अपना नाम लिखना है तो हमने इसी तरीके से लिखना है। जब तक आपको ये कर्सर ब्लिंक होता हुआ नजर आ रहा है, आप टेक्स्ट लिखने के अलावा कोई और काम नहीं कर सकते। अगर आपने कोई और काम करना है तो टेक्स्ट को डिसेबल करना पड़ेगा, यानी ये कर्सर नजर नहीं आना चाहिए। तो इसका क्या तरीका है, इसको डिसेबल कैसे करेंगे? नंबर वन मेथड, आपको प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर एक टिक का निशान नजर आएगा इस तरीके से, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए अभी मैं टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, जैसे मैंने क्लिक किया टेक्स्ट डिसेबल हो गया। अब आप कोई दूसरा काम कर सकते हैं, आपने दोबारा टेक्स्ट लिखना है आप लिख सकते हैं। मैं यहां फिर से क्लिक कर रहा हूं, अब मैं लिखता हूं ग्राफिक्स डिजाइन, ठीक है, मैंने लिखा ग्राफिक्स डिजाइन। अच्छा, जैसे मैंने इसको राइट किया है, आप देख रहे हैं ये जूम इन किया हुआ मैंने कैनवस, तो ये थोड़ा साइड पे हुआ है। टेक्स्ट को मूव करके मैं थोड़ा लेफ्ट पर लेके जाना चाह रहा हूं या नीचे भी लेके आना चाह रहा हूं। तो अभी टेक्स्ट के ऊपर अगर माउस पॉइंट मौजूद होगा तो ये टेक्स्ट की तरह नजर आ रहा है इसका पॉइंटर, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर ले जाऊं पॉइंटर को तो ये मूव टूल में कन्वर्ट हो गया है, यानी मूव टूल खुद ब खुद एक्टिव हो गया। अब अगर मैं क्लिक प्रेस करके इसको मूव करूंगा तो आप देखिएगा ये मैं इसको थोड़ा उधर लेके जा सकता हूँ इजिली, ठीक है। और यहां पर कुछ लिखा अभी आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो दूसरा तरीका टेक्स्ट जब एक्टिव है इसको डिसेबल करने का, आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे और एंटर का बटन दबा देंगे। ये काम आप कब करेंगे, जब अगर आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप हो आपके पास तो आपने कंट्रोल एंटर प्रेस करना है तो टेक्स्ट डिसेबल हो जाएगा। तीसरा तरीका ये आप तब यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कीबोर्ड मौजूद है या आप डेस्कटॉप पीसी पर काम कर रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ जी माई नेम, चले माई नेम मैंने इतना लिखा। अब इसको डिसेबल करने का तरीका क्या है, आप कीबोर्ड पे देखेंगे कीबोर्ड पे एक नम पैड होता है, न्यूमेरिक पैड, नम पैड पे भी एक एंटर मौजूद होता है, अगर आप उस एंटर को दबाएंगे तो भी टेक्स्ट डिसेबल हो जाएगा। जो एक सिंगल एंटर होता है यानी अल्फाबेट्स के साथ, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो लाइन ब्रेक ऐड होगा, यानी कर्सर नीचे चला जाएगा और आप अगली लाइन में लिख सकते हैं। मैं अपना नाम लिख चुका हूं, इसको मुझे एडिट करना है, तो टाइप टूल आप सिलेक्ट करेंगे। टाइप टूल सिलेक्ट करने के बाद आपने यहां देखना है, टाइप टूल बाय डिफॉल्ट इस तरह का उसका आइकन होगा, लेकिन जब भी आप टेक्स्ट एरिया में पहुंचेंगे तो ये दूसरी तरह से नजर आना शुरू होगा। ये देखें अभी चेंज हो गया, ये देखें अभी ऐसा है बॉक्स में नजर आ रहा है, जैसे मैं यहाँ टेक्स्ट एरिया के करीब पहुंचूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब ये कि अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इस टेक्स्ट को एक्टिव कर सकते हैं। तो मैंने तो वैसे इसको दरमियान से ही एक्टिव करना है, मैं यहां क्लिक करता हूं, ये देखें ये एक्टिव हुआ। एन को मैंने डिलीट किया, मैं यहां पर वाई लिख देता हूं, तो यहां पर मैंने नाम लिख दिया यासे। इसी तरह अगर मुझे इसको करना है चेंज, तो पहले तो इसको डिसेबल करेंगे, तो मैं कीबोर्ड से न्यूमेरिक पैड से एंटर प्रेस कर रहा हूं, फिर मैं यहां क्लिक करूंगा माई नेम, और उसके बाद में आगे क्लिक करके इस लिख सकता हूँ। इस तरफ आप देख रहे हैं मैंने टेक्स्ट लिखा है, तो टेक्स्ट लेयर्स बनती जा रही हैं, ये सारी के सारी टेक्स्ट लेयर है और ये लाइव टेक्स्ट है, आप इसको कभी भी एडिट कर सकते हैं, जब आपका दिल जाएगा आप एडिट कर पाएंगे। अच्छा, इनको मैं फिलहाल हाइड कर देता हूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और ये तो रहेगा बस, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टेक्स्ट हो तो फिर आप क्या करेंगे, आप एरिया टाइप टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो टाइप टूल ही सिलेक्ट करते हुए फर्स्ट वाला हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, आपने क्लिक प्रेस करके ड्रैग करना है, एक बॉक्स बना लेना है, एक एरिया बना लेना है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूं कंट्रोल सी सिलेक्ट करने के बाद। अब अगर यही टेक्स्ट मैं यहां पर लाना चाहता हूं, बॉक्स बनाया हुआ है, अगर मैं इसको पेस्ट करूंगा तो ये बॉक्स के अंदर ही आएगा, ठीक है, देखिए उसे बाहर नहीं जा रहा। अगर मैं इसको बगैर बॉक्स के पेस्ट करूं तो देखिए क्या होगा, टाइप टूल लिया, वालेकुम अस्सलाम। देखिए अगर मैं टाइप टूल लेकर सिंपल क्लिक करूं, यानी पॉइंट टाइप को एक्टिव करूं, अब अगर मैं इसको पेस्ट करूंगा, पेस्ट करने से ये होगा कि टेक्स्ट एक ही लाइन में या दो लाइनों में आ चुका है, और आप देखें ये कैनवस से भी बाहर चला गया है। कहां तक गया हुआ है, जहां तक ये आपको, ये देखें ये लाइन नजर आ रही है ना,
यहाँ तक टेक्स्ट बाहर जा चुका है। अब इसको सेट करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए आपने हमेशा कॉपी किए हुए टेक्स्ट को, स्पेशली अगर वो लॉन्गर टेक्स्ट है, पैराग्राफ की सूरत में है, तो आपने उसको हमेशा बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद उसके अंदर आपने पेस्ट करना है ताकि वो इधर उधर लेफ्ट राइट पे ना जाए। तो ये होता है जी एरिया टाइप टेक्निक, इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड टेक्निक जो होती है पाथ टाइप डायरेक्शनल टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होगी। अगर हम ये देखिए, मैं यहाँ से एलिप्स टूल सेलेक्ट करूंगा, शेप टूल जो होते हैं वहां से, और एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। लेयर्स को मैंने हाइड कर दिया है, ये सर्कल बनाया। अब अगर इस सर्कल के ऊपर किनारों के ऊपर मुझे लिखना है, तो मैं फर्स्ट वाले टूल से ही जो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है इसी को सिलेक्ट करते हुए मैं इसके किनारे पे आऊंगा। अभी देखिए ये जो टूल मैंने सिलेक्ट किया हुआ टाइप टूल अभी इस पोजीशन में है। जब इस पोजीशन में ये आपको नजर आ रहा हो, इसका मतलब है कि आप नया टेक्स्ट लिख सकते हैं। और अगर इस पोजीशन में आ रहा हो तो इसका मतलब है नया टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शनल टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। और अगर इस पोजीशन में आ रहा हो, इसका मतलब है आप एरिया टाइप टेक्निक से लिख सकते हैं इस शेप के अंदर। तो मुझे खैर डायरेक्शन में लिखना है, तो मैं यहां क्लिक करूंगा, कहीं भी क्लिक कर लें। आप देखिए मैं लिखना शुरू करूंगा, जैसे मैंने लिखा माय नेम इज नासिर, आप देखिए उसी डायरेक्शन में ये लिखा जा रहा है। तो ये तीन तरीके होते हैं टेक्स्ट लिखने के की टेक्निक्स होती हैं, पॉइंट टाइप, एरिया टाइप और पाथ टाइप। टूल एक ही है, इलस्ट्रेटर में यही काम करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, लेकिन फोटोशॉप में यही वाले टूल है। अच्छा, अगर आपको हॉरिजॉन्टल समझ आ गया, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, ठीक है, आपने अगर यूं लिखना हो टेक्स्ट, तो ये वर्टिकल टाइप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने के लिए। इसको आप खुद टेस्ट कीजिएगा कि ये किस तरीके से लिखता है। अच्छा, जो नीचे मास्किंग टूल है ना, इनका भी मैं आपको इस्तेमाल बताता हूँ। इनको जरा मैं पहले हाइड कर लेता हूँ टेक्स्ट को। ओके, अच्छा मैं दोबारा से क्लिक करूंगा और यहां पर अपना ही नाम लिख रहा हूँ। ये लिखने के बाद आपने इसका साइज, कलर वगैरह, फॉन्ट कैसे चेंज करना है, जब ये लिखा होगा आप इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने का तरीका जैसे नॉर्मल सिलेक्शन बनाते हैं, माउस को ड्रैग करके या कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, शॉर्टकट है सिलेक्ट करने का, ये सिलेक्ट होगा। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो ऊपर प्रॉपर्टी बार में आपको ये फॉन्ट नजर आ रहा है, यहाँ से आप इसका राइटिंग स्टाइल यानी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो मैं ये वाला लगा रहा हूँ और देखते हैं कैसा होगा। ये इस तरह का नजर आ रहा है। अच्छा, जो फॉन्ट, तो ये तो फॉन्ट फैमिली है और फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसा कि अभी इसका कोई मेंबर नहीं है, मैं यहाँ से कोई और फॉन्ट लेता हूँ, एरियल। एरियल के देखें काफी सारे मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स मीन स्टाइल्स है। फॉन्ट के स्टाइल्स आप यहाँ से ले सकते हैं, नैरो, रेगुलर नॉर्मल वाला होता है, नैरो बारीक होगा, इटैलिक तिरछा होगा, बोल्ड मोटा होगा, मतलब थिक, बोल्ड इटैलिक तिरछा भी होगा, मोटा भी होगा, और ब्लैक ये और ज्यादा थिक होता है, बोल्ड किस्म का हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है फॉन्ट। तो मैं ब्लैक स्टाइल लगा रहा हूँ एरियल का, अभी देखेगा ये आपको नजर आना शुरू हो गया। अच्छा, फॉन्ट साइज अगर आपने इंक्रीज करना हो तो यहां से आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर तो आपको, वालेकुम अस्सलाम, अगर आपको फॉन्ट का साइज मालूम है कि कितना सेट करना है, तो आप यहाँ इसको डिलीट करें और खुद से नंबर आप लिख लें और एंटर दबाएंगे आप, ठीक है। मैंने इसका 45 साइज किया, अभी 145 करना चाहता हूं, तो यहां पर 1 लिखा, एंटर दबाएंगे तो 145 साइज, देखिए इतना हो गया। और इसके अलावा आप यहां क्लिक करके भी नंबर्स यहां दिए हुए हैं, यहां से भी आप फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है फॉन्ट साइज का कि कितना, मतलब नंबर से आइडिया नहीं है, आप देखते हुए इसको चेंज करना चाहते हैं, तो इसका सबसे इजी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। ये जो टी लिखे हुए ना, दो छोटे बड़े, आपने यहां पर क्लिक होल्ड कर लेना है। क्लिक होल्ड करने के बाद अगर आप राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे इसको, माउस पॉइंटर को, तो साइज बढ़ेगा, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाते हैं तो इसका साइज छोटा होगा। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने उसी टी के ऊपर क्लिक होल्ड रखा हुआ है, माउस पॉइंटर को मैं राइट हैंड साइड की तरफ लेके जा रहा हूँ, साइज इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाऊंगा तो साइज डिक्रीज होगा। तो ये तरीका है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं साइज को चेंज करने के लिए। इसके अलावा एक और तरीका, आप यहां क्लिक कर लें, क्लिक करने के बाद अगर आप अप वाला एरो प्रेस करेंगे तो साइज इंक्रीज होगा, देखें बढ़ रहा है, और अगर डाउन वाला एरो प्रेस करेंगे तो नंबर डिक्रीज होंगे, तो ऑब्वियसली फिर साइज भी डिक्रीज होगा। तो ये देखिए आपको करके दिखा रहा हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रहा है। अगर आपने थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो फिर आप इस टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं। तो ये था जी साइज का ऑप्शन, अलाइनमेंट्स के ये ऑप्शन दिए हुए हैं। जब आप एरिया टाइप टेक्निक से टेक्स्ट लिखेंगे पैराग्राफ की सूरत में, तो फिर उस पर अलाइनमेंट लगाना जरूरी होगा, तो आप यहां से अलाइनमेंट लगा सकते हैं। लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट दी हुई है, तो इस तरफ आप देख रहे हैं इसकी पैराग्राफ की लेफ्ट साइड बिल्कुल एक सीध में आ रही है, यहां पर लेफ्ट अलाइनमेंट अप्लाई हुई भी है। अलाइनमेंट का मतलब होता है बिल्कुल सीध,
और राइट हैंड साइड से आप देखेंगे ये बिल्कुल बराबर नहीं होगा। अगर आपने राइट हैंड साइड से इसको बराबर करना है तो टाइप टूल लेकर इसके ऊपर क्लिक करें, एक्टिव होगा, कंट्रोल ए सारा सिलेक्ट, और राइट हैंड साइड वाली अलाइनमेंट हम लगाएंगे, ये वाली होती है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड बिल्कुल बराबर होगी और लेफ्ट साइड जो है अब बिल्कुल बराबर नहीं है। और अगर आप टेक्स्ट को सेंटर में शिफ्ट करना चाहते हैं जिससे लेफ्ट और राइट साइड खराब हो जाएगी, तो आप सेंटर अलाइनमेंट भी लगा सकते हैं। तो कंट्रोल ए और सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करूंगा, अब टेक्स्ट जो होगा वो सेंटर की तरफ अलाइन होगा, यानी लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं होगी। अगर आपने दोनों साइडें बराबर करनी है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा पैराग्राफ पैनल। तो अभी तो मेरे पास यहां पर नजर आ रहा है पैराग्राफ पैनल, सपोज यहां से ये खत्म हो जाए, आपको यहां नजर ना आ रहा हो तो कहां से लेकर आएंगे, विंडो मेन्यू पर आपने क्लिक करना है और इस जगह पे आपको पैराग्राफ के नाम से ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ पैनल सामने आ जाएगा। और इसको अगर आप जोड़ना चाहें यहां से उठाकर, इसको आप इस जगह पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये आइकन है इसका पैराग्राफ पैनल का, तो इसके अंदर ये अलाइनमेंट दी हुई है, यहीं से मैं समझा देता हूं, आप खुद अप्लाई करके देख लीजिएगा। इसमें ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है, जस्टिफाई में दोनों साइडें बराबर होंगी, ये जो ऑप्शन है इसमें आखिरी लाइन लेफ्ट पर होगी, इसमें आखिरी लाइन सेंटर पे होगी, और इसमें आखिरी लाइन जो होगी वो राइट हैंड साइड पे होगी। इन आइकन्स पे लिखा भी आपको देखे नजर आ रहा है जस्टिफाई लास्ट लेफ्ट, यानी लास्ट लाइन जो होगी वो लेफ्ट पे होगी, बाकी सारी बराबर होंगी, जस्टिफाई होगी। और अगर आप दोनों तरफ से बराबर करना चाहते हैं, आखिरी लाइन को भी आप जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो जस्टिफाई को ऑल को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर जस्टिफाई ऑल अप्लाई करते हैं। टाइप टूल लिया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए, पैराग्राफ पैनल ओपन, और जस्टिफाई ऑल पर क्लिक कर दिया। अब आप देखें लास्ट लाइन जो है उसमें टेक्स्ट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उसने उसको जस्टिफाई किया, यानी बिल्कुल वो किनारों तक जा रहा है इसके, ठीक है जी। ये ऑप्शन आपके हो गए टेक्स्ट से रिलेटेड। और कलर चेंज करना लास्ट ऑप्शन, टाइप टूल लेकर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ए, ये इस जगह पे दिया हुआ है कलर बॉक्स, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कलर पिकर आपके पास आएगा, कलर पिकर में से कलर पिक कर सकते हैं आप इसे। वो स्टूडेंट जिनको नहीं मालूम यहाँ से कलर कैसे पिक करते हैं, सबसे पहले अपना मेन कलर आपने सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे पिंक कलर चाहिए तो मैं यहाँ से पिंक वाली रेंज लाऊंगा, उसके बाद यहाँ से जो भी कलर पिंक का लाइटर कलर सेलेक्ट करना है, यानी जिसे टिंट कहते हैं, वो यहाँ से पिक कर सकते हैं। इसका शेड सेलेक्ट करना होगा तो आप यहाँ से ले सकते हैं शेड पिंक का, और अगर आप इसका दरमियाना मिड टोन कलर लाना चाहते हैं टोन, तो यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं टोन लगा रहा हूँ इसकी पिंक की, ओके करूंगा, तो देखिए ये कलर इसमें आ गया। ये करने के बाद टेक्स्ट को डिसेबल आपने लाजमी करना है, टिक पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट डिसेबल हो जाएगा। तो टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस जो है वो मैंने आपको बता दिए।